इतना कुछ जानने के लिए कोई बताता ही नहीं। अरे क्यों बताएगा, यदि बताएगा वो उसका प्रोजेक्ट या उसका जमीन बेचेगा कैसे। अच्छा ऐसा भी होता है। और नहीं तो क्या, अरे तू सब कुछ सीख जाएगा तो तू तो बढ़िया वाला जमीन ढूंढने जाएगा, और उसके पास नहीं रहेगा तो फिर तू उससे लेगा ही नहीं, मार्केट में और कहीं से ले लेगा। तो उनका क्या नियम है? अरे सच बताऊं क्या, वो बोलते हैं कि उतना ही बताओ जितने में अपना प्लॉट अपना जमीन बिक जाए। अरे बाबा ये लोग तो बहुत डेंजर है रे बाबा। डेंजर नहीं रे, इसे चीटर कहते हैं। ठीक है भाई ठीक है, चल कुछ और भी डिटेल तो बता दे। ठीक है चल थोड़ा और डिटेल लैंड यूजेस समझ लेते हैं। हाँ भाई हाँ मैं भी आ रहा हूँ। क्या हम इस सारे एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल में यदि आप कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? कोई प्रोजेक्ट के अंदर रोड टच प्लॉट आपको बेच रहा है, कह रहा है कि आप इसमें सेमी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कहाँ वेरीफाई कर रहे हैं? आपको टाउन प्लानर के पास जाके वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिडेंशियल जोन। तो धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो रेसिडेंशियल जोन है वहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कई सारे बिल्डर्स कई सारे डेवलपर्स जो मेन रोड टच प्लॉट्स है या मेन गेट टच जो प्लॉट्स है उसको सेमी कमर्शियल कह के आपको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अप्रूवल्स मिला है तो वहाँ पे क्या मेन गेट के पास जो प्लॉट है उन प्लॉट में सेमी कमर्शियल के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी वहाँ पे दुकान वहाँ पे बैंक या वहाँ पे रेस्टोरेंट बना सकते हैं? तो ये चीज जब आप वेरीफाई करेंगे लोकल टाउन प्लानर ऑफिसर से वो आपको मना कर दे, लेकिन लोग इसमें भी मिसगाइड करते हैं। पर रेसिडेंशियल लैंड में आप कमर्शियल एक्टिविटी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि आपकी पूरी प्लॉट यानी एक फाइनल प्लॉट हो उसमें आप प्लान पास या अप्रूवल अकॉर्डिंगली लेंगे यानी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लेंगे तो आपको वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ होगी। हाँ इसमें जो डिफरेंस है वो है FSI या FAR का, जहाँ पे कमर्शियल लैंड बिलो 25 मीटर रोड के अंदर मिलता है वहाँ पे आपको 1 का FSI मिलता है। यदि आपकी जमीन 25 मीटर रोड से लेके 55 मीटर रोड के बीच में है तो आपको 1.5 का FSI मिलता है। ऐसा ही 55 मीटर से ऊपर यदि आपका जमीन है तो आपको 2 का FSI मिलता है। तो ये रेसिडेंशियल जोन की FSI या FAR के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल जोन। तो इंडस्ट्रियल जोन में क्या आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं? हाँ, धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आज के तारीख में एक्टिवेशन एरिया में कई सारे इंडस्ट्रियल लैंड या इंडस्ट्रियल प्लॉट रेडी है। वहाँ पे यदि आपकी जमीन 30 मीटर रोड के नीचे मिल जाता है यानी बिलो 30 मीटर तो वहाँ पे आपको 1.2 का FSI या FAR मिलेगा, और 50% लैंड के ऊपर आप वहाँ पे एक कॉफी शॉप एक रेस्टोरेंट या कैंटीन या बैंक बना सकते। लेकिन आपकी जो प्लान पास या अप्रूवल एक इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट की होनी चाहिए। ऐसे यदि आपकी जमीन 55 मीटर से 30 मीटर के बीच में है और एक मिनिमम साइज 1000 स्क्वायर मीटर की हो तो आपको 1.6 की FSI या FAR। वहाँ पे भी आप पेट्रोल पंप CNG LPG ऑटो सर्विस स्टेशन या फायर स्टेशन सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन फैसिलिटीज ये सारा कुछ एक्टिविटी आप वहाँ कर सकते हैं। हाँ 55 मीटर एंड अबव साइज की रोड पे यदि आपकी जमीन है और आपका FSI या FAR आपको 1.8 की मिल जाएगा वहाँ पे भी आप 50% एरिया में कवर करके आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें ट्रक टर्मिनल्स या जो पहले मैं आपको बताया जैसे CNG LPG पेट्रोल पंप ये सब कुछ आप वहाँ कर सकते हैं। अब बात करेंगे धोलेरा की प्योर कमर्शियल एरिया यानी सिटी सेंटर जोन, HSS जोन और नॉलेज एंड IT जोन। सबसे पहले सिटी सेंटर जोन, देखिए ये जो तीनों जोन में आपको बताया उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी और FAR या FSI अलाउ लगभग सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। जो थोड़े बहुत डिफरेंस है उसी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। सिटी सेंटर जोन में आप क्या कर सकते हैं? सिटी सेंटर जोन में आप एक कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, एक डॉर्मेटरी, म्यूजियम, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या सर्विस अपार्टमेंट्स या मल्टी लेवल पार्किंग या मॉल
सिनेमा, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, ये सब कुछ बना सकते हैं। हाँ, उसमें जो रेस्ट्रिक्शन लागू होता है वो है प्लॉट या लैंड की साइज और कितना मीटर रोड टच वो जमीन है। जो जमीन 25 मीटर से नीचे रोड के ऊपर रहेगा उसकी मिनिमम साइज प्लॉट की होनी चाहिए 1500 स्क्वायर मीटर और उसमें 2 का FSI मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्शन जो अलाउ या परमिशन मिलेगी वहाँ पे 1500 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 3000 स्क्वायर मीटर की कंस्ट्रक्शन आप वहाँ कर सकते हैं और 40% लैंड को आप कवर कर पाएंगे। इसमें बिल्डिंग हाइट होगी 16 मीटर और वहाँ पे आप रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, फूड स्ट्रीट, नेबरहुड रिटेल शॉप, कम्युनिटी हॉल, ये सब कुछ आप वहाँ कर सकते हैं। ऐसे 25 मीटर से 55 मीटर रोड टच यदि आपकी प्लॉट सिटी सेंटर में है और मिनिमम साइज 1500 स्क्वायर मीटर की है, आपको 2.5 की FSI मिलेगा और 40% लैंड आप कवर कर सकते हैं, जिसमें एक 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग बना सकते हैं। वहाँ पे भी आप रिटेल है, सिनेमा हॉल है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, रेस्टोरेंट है, फूड प्लाजा है, ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे 55 मीटर एंड एबव रोड को टच करता हुआ यदि आपके पास सिटी सेंटर में जमीन है और उस जमीन की साइज मिनिमम 5000 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, जिसमें ग्राउंड कवरेज यानी उस जमीन के ऊपर यदि 10% एरिया में आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपको 5 का FSI मिलता है। ये पूरी स्मार्ट सिटी में हाईएस्ट FSI है, जिसमें आप एक 150 मीटर हाइट का बिल्डिंग बना सकते हैं। यदि आप 4 का FSI कंज्यूम करते हैं उस केस में 10-20% लैंड आप कवर कर सकते हैं और 3 का FSI या FIR कंज्यूम करते हैं तो आप 20-30% लैंड में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसमें 32 मीटर हाइट का एक कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं नॉलेज एंड IT जोन। तो नॉलेज एंड IT जोन में भी ऑलमोस्ट सिटी सेंटर जैसे ही 25 मीटर रोड के नीचे यदि जमीन है और जमीन की साइज मिनिमम 1500 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, उसमें आपको 2 का FSI मिलेगा, जिसमें आप ऑफिस बिल्डिंग बना सकते हैं, बजट होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, फूड प्लाजा बना सकते हैं, फूड स्ट्रीट बना सकते हैं, नेबरहुड रिटेल बना सकते हैं। लगभग हर प्रकार की सुविधा जो आप सिटी सेंटर में कर रहे थे वही चीज भी यहाँ कर सकते हैं। यदि जमीन आपकी 25 मीटर से लेके 55 मीटर रोड को टच कर रहा है और जमीन की साइज मिनिमम 1500 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, उसमें आपको 2.5 का FSI या FIR मिलेगा, जिसमें आप 20 मीटर का एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऑफिस यानी IT पार्क खोल सकते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज खोल सकते हैं या 3-स्टार होटल या कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं 55 मीटर एंड एवव। 55 मीटर एंड एवव रोड के ऊपर आपकी जमीन 5000 स्क्वायर मीटर से ऊपर होनी चाहिए नॉलेज एंड IT जोन के अंदर, और उस जमीन के ऊपर आपको 3-5 का FSI मिलेगा, जैसे हमें सिटी सेंटर में मिल रहा था। और आप 10% एरिया कवर करते हैं तो आपको 5 का FSI यानी हाईएस्ट FSI या FIR मिलेगा, यानी 150 मीटर हाइट का बिल्डिंग आप वहाँ बना सकते हैं। ऐसे 4 का FSI लेते हैं तो 126 मीटर का, जिसमें 10% एरिया आप कवर करेंगे। 4 का FSI आप कंज्यूम करते हैं, उसमें आप 20% तक लैंड यूजेस आप कर सकते हैं और 126 मीटर हाइट का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। और यदि 3 का FSI आप यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको 20-30% एरिया आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इस 32 मीटर का एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी कैंपस, 4-स्टार या 5-स्टार होटल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी हॉस्टल, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाई SS कॉरिडोर। तो सिटी सेंटर नॉलेज IT का जो लेन यूजेस या जो FSI FIR है लगभग हाईएसएस कॉरिडोर में भी सेम है। हाँ, यहाँ पे मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की अलाउ है। यहाँ पे भी आप जब देखेंगे जमीन बिलो 25 मीटर रोड को टच कर रहा है और जमीन की साइज मिनिमम 1500 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, जिसमें 2 का FSI मिलेगा 40% ग्राउंड कवरेज के साथ 116 मीटर हाइट का बिल्डिंग आप बना सकते हैं, जिसमें आप नेबरहुड रिटेल स्टोर या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट या सर्विस अपार्टमेंट बना सकते हैं। ऐसे 25-55 मीटर के अंदर आप 2.5 का FSI कंज्यूम कर सकते हैं। और यदि 55 मीटर से अब आपकी हाईएस्ट कॉरिडोर की जमीन है, आपकी मिनिमम साइज 5000 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, जहां आपको 3-5 का FSI या FIR मिल जाता है। और यहां पे भी कमर्शियल एक्टिविटी, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, CNG, LPG, वाटर सर्विस स्टेशन, लाइट इंडस्ट्रियल वर्कशॉप, ये सब कुछ अलाउ है। हाँ, यहाँ पे 3-स्टार होटल या हॉस्पिटल भी आप खोल सकते हैं और इसी लैंड के ऊपर आप एक मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी बना सकते हैं। ये जितने भी जोन है आपको स्टडी करना जरूरी है कि कहाँ पे लैंड सप्लाई ज्यादा है, कहाँ पे लैंड की डिमांड ज्यादा है और कौन सी लोकेशन फ्यूचर में बढ़िया अप्रिसिएशन देगा, और उसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए आप एक परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं।
हाँ, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा, आप अपॉइंटमेंट लेके हमारे ऑफिस में आ जाइए, हम बैठ के आपकी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि जब भी कभी हम नए वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।